हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। आज बात करेंगे एनर्जल पाउडर के बारे में, जानने हैंगे इसको कैसे लेना है, किस परेशानी में काम आता है और इसको लेने का तरीका क्या है, कितने पानी में लिया जाता है, तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में। आइए बात करते हैं एनर्जल पाउडर के बारे में। तो ये FDC कंपनी का आता है और ऑरेंज फ्लेवर में आपको मिल जाएगा और ये 50 ग्राम का पैकेट है और इसका प्राइस आपका 33 रुपये है। ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा और छोटा बड़ा भी पैक मिल जाएगा। ये 50 ग्राम का है। बात करें तो ये आपको जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नो प्रिजर्वेटिव, यानी कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रिजर्वेटिव मतलब जैसे कि एक तरह का एजेंट होता है जो कि दवा को एक तरह एक्सपायरी डेट से बचाने का काम करता है, तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया गया है। और सेकेंड है नो आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी किसी तरह का टेस्ट इसमें नहीं ऐड किया गया है। और थर्ड है नो आर्टिफिशियल कलर, यानी किसी तरह का भी कलर नहीं इस्तेमाल किया गया है। ये था तीनों। अब जान लेते हैं इसमें क्या मिलकर बना हुआ है, कंटेंट क्या है। तो इसमें जैसे एनर्जी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, इस तरह से मिलकर बना हुआ है। जो कि एक पैकेट ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 600 ml में घोलना है और 600 ml का पूरा एक क्वांटिटी होता है जो कि आपको पीना होता है 600 ml में। अगर आपको 600 ml एक बार नहीं पीना है तो 200 ml में 1/3 करके आप इसको मिक्स करके और पी सकते हैं। ये गुनगुना पानी में और ठंडा पानी में दोनों में पी सकते हैं, लेकिन गुनगुना पानी में पिएंगे तो और बेहतर काम करेगा। बात करें तो ये किस परेशानी में ले जाता है, तो ये जैसे कि उल्टी ज़्यादा हो गया है या दस्त हो गया है पतला और शरीर से ज़्यादा पसीना होने के चलते शरीर में पानी की कमी हो गया है, उसके चलते थकान, कमजोरी, सुस्ती और आलस, लो BP, इस तरह का समस्या में ये दवा चलता है। जो कि उल्टी, दस्त और पसीना ज़्यादा निकलने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की इनबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि शरीर को इनबैलेंस करने में काम करता है और इलेक्ट्रोलाइट की शरीर में कमी हो जाता है तो कमजोरी, थकान, सुस्ती, आलस, नींद लगना और शरीर में दर्द, इस तरह की समस्या होने लगता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है शरीर में, जिससे कि शरीर में कमजोरी, थकान, सुस्ती और आलस भाग जाता है और पानी की कमी शरीर में पूरा हो जाता है। ये इस तरह इसका यूज था। अब जान लेते हैं इसको जैसे कौन ले सकता है, तो ये हर कोई ले सकता है। OTC ड्रग है जो कि बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। बच्चे को थोड़ा सा मिलाकर दें एक गिलास में एक चम्मच और तब पिलाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी विच साइंटिफिक मिक्स 5 विटाल इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी आपको इसमें देखिए सोडियम मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है जो कि सोडियम को मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, और पोटेशियम प्रिवेंट करता है, जैसे पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको शरीर में दर्द होगा तो ये दर्द भी ठीक करेगा। मैग्नीशियम मेंटेनेंस मसल और नर्व फंक्शन के लिए, मैग्नीशियम ज़रूरत है मसल और नर्व फंक्शन के लिए तो उसको भी मेंटेन करेगा, और कैल्शियम बिल्ड करेगा बोन स्ट्रेंथ के लिए, कैल्शियम को भी मेंटेन करेगा, और एक क्लोराइड मेंटेनेंस वाटर बैलेंस, यानी क्लोराइड को मेंटेन करेगा वाटर इनबैलेंस के लिए, जैसे कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को ही पूरा कर देगा, जिससे कि आपको इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होगा। बात करें तो ये आपको कभी भी ले सकते हैं अगर उल्टी, दस्त, पसीना, इस तरह का समस्या होने लगता है तो। अगर आपको इस तरह भी जिम ज़्यादा जाते हैं और पानी की कमी हो जाता है पसीना ज़्यादा निकलने के चलते, तो उसमें आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेली ना करें, ये कभी कभार करें जैसे कि आपको ज़्यादा परेशानी होने लगे तब, क्योंकि डेली करेंगे तो आदत बन जाएगा। ये सब जानकारी था एनर्जल पाउडर के बारे में। अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से आपको मेडिसिन के बारे में रेगुलर जानकारी मिलता है इस चैनल पे। धन्यवाद।